Everyone, first question of the day. Find the sum of greatest values of x and y satisfying the relation x square plus y square is equal to 6x minus 8y. मुझे x एंड y के ग्रेटेस्ट वैल्यूज का सम बताना है, ठीक है? इट्स अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन. ये क्वेश्चन करने के बाद लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन करेंगे. तीर्थ मनन गलत लग रहा है मुझको दोनों का. माना हूं गलत. यश सही है. कभी गलत बेटा. हस्तांश करेक्ट है. बाकी लोग आंसर दो. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछली क्लास टाइप का ही है. ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट या लोवेस्ट वैल्यू निकालने के लिए, ग्रेटेस्ट या मिनिमम एनीथिंग निकालने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फर्स्ट कंसीडर दिस इक्वेशन. सब लोग सुन लेना जिससे भी नहीं हुआ है. आंसर 9 है. एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू 8 है एंड वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 है. सो द आंसर इज 9. Let me consider this as a quadratic in y. So y square plus 8y plus x square minus 6x equal to 0. अब ये अगर quadratic in y है और y has real solution, तो इसका d for y belongs to R. इसका d क्या होना चाहिए? Greater than equal to 0 होना चाहिए. तो मैं बस इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूंगा. d क्या है? b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर 64 माइनस 4 ac, यानी 4 उड़ा दिया. x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, तो इससे आया x बिलोंग्स टू माइनस 2 से 8. सिमिलरली y का निकाल लोगे, इस x की वैल्यू माइनस 2 से 8 आती है एंड y बिलोंग्स में x में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस 9 से 1. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट करें.
ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे जिसके थ्रू आप लोग करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले लोकेशन ऑफ रूट का एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ बेटर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 7a + 13 एक्स स्क्वायर, ये एक्स माइनस ए क्यूब माइनस 8a - 1 एक्स प्लस लॉग बेस हाफ ए स्क्वायर माइनस 6a + 9 इक्वल टू 0 लाए ऑन ईदर साइड ऑफ ओरिजिन फाइंड ए रेंज ऑफ ए। If roots of this equation lie on either side of origin, then find range of A. Simple सा question है, करो सब लोग। इसके बाद दूसरा question दूंगा, ये सबसे आना चाहिए location of root का। लोकेशन ऑफ रूट्स का पहला क्वेश्चन है, डू इट। सही नहीं है अभी तक किसी का भी। यश सही है बेटा। बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करो। इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स तो क्या होता था? मुझको बस ये बताओ, इफ के लाइज बिटवीन द रूट तो व्हाट वाज द कंडीशन? हाँ शुभम, ठीक है बेटा। तीर्थ एंड यश, इफ के लाइज बिटवीन द रूट व्हाट वाज द कंडीशन? ऋषभ सही है बेटा, आंसर गलत है तुम्हारा, कंडीशन सही है। विनीत कंडीशन रॉन्ग है, आयुष प्रवीण कंडीशन सही है, क्योंकि बहुत लोगों ने रॉन्ग कंडीशन करके भी आंसर सही ले आया होगा, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। द कंडीशन वॉज ए डॉट
fk less than 0. ठीक है, a dot fk less than 0. ठीक है, अब क्वेश्चन का a क्या है? a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 13 और इनटू f 0, क्यों k मेरा 0 है. ठीक है, a डॉट f 0 लेस देन 0. f 0 क्या होगा? f 0 होगा log बेस हाफ a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9. एवरीवन क्लियर विद दिस? ये मेरी कंडीशन होगी, दिस इज माय कंडीशन. अब नोटिस करो, जस्ट नोटिस दिस थिंग, कि जो ये वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 13 which is always positive. क्यों? इस ये एक quadratic equation है जिसका d negative है और quadratic equation का a positive है. इसके कोई भी roots नहीं आएंगे, इसके कोई भी roots नहीं आएंगे. इसका मतलब ये हमेशा always positive रहेगा. तो एक इनइक्वालिटी में हमेशा ऑलवेज वाले ऑलवेज पॉजिटिव वाले टर्म्स को इग्नोर किया जा सकता है. तो मेरा ये टर्म बन गया, ठीक है, लॉग हटेगा तो ये क्या बनना चाहिए? ग्रेटर देन वन. क्यों? इधर जीरो है तो इस जीरो को मैं ये लिख सकता हूं, लॉग वन बेस हाफ लॉग बेस वन हाफ को. हाँ, किसी ने यहां पे स्क्वायर नहीं लिखा हो, इट्स ओके, कोई वो नहीं है. यहां से शुरू कर सकते हैं. लॉग बेस वन हाफ, हाफ है ना बेस, वन से कम है, तो वन से कम वाले बेस में वैल्यूज पलट जाती हैं. तो ये ए स्क्वायर, ये चलो मैंने स्क्वायर वैसे लिख दिया था कुछ सोचने के लिए, क्योंकि मुझे लॉग की डोमेन कंडीशन यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी. आई डू नॉट नीड द डोमेन कंडीशन ऑफ लॉग. क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर वाली जो चीज है वो परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, इससे शायद आंसर आता है. वन को उधर ले जाओगे, वे भी कर्व इनइक्वालिटी से सॉल्व करोगे, माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन फोर से इंफिनिटी. This is the answer. ठीक है, कुछ लोगों ने log हटा के इनइक्वालिटी नहीं रिवर्स की है, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी. Why? क्योंकि क्योंकि बेस जीरो से वन लाई करता है. ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था. इसका लोकेशन ऑफ फ्रूट का थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. कुछ लोगों ने इसमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निगेटिव किया है, वो भी सही है, बट मतलब लोकेशन ऑफ फ्रूट बोल के बोला था तो सही है, बट स्टिल प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी इसमें निगेटिव के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अगर
इधर साइड ऑफ ओरिजिन की जगह इधर साइड ऑफ टू दिया है, तो उसमें उसमें ये चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ए डॉट एफ के जीरो लेस देन जीरो क्यों होता है, उसकी थ्योरी पूरी लोकेशन ऑफ रूट में है, एक बार गो थ्रू कर लेना, समझ में आ जाएगी, ग्राफ के थ्रू समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस फाइव एक्स प्लस ए माइनस फिफ्टीन बाई फोर इक्वल टू जीरो। Has at least one positive root. ये करो, a निकालना है if this equation has at least one positive root. पूरा आंसर निकालोगे सब लोग, ठीक है। आई वॉन्ट द फुल आंसर। सोचो और करो, चार पांच मिनट है, चार मिनट तो है ही। ये से पिछले वाला क्वेश्चन था जिसमें a डॉट f के लेस देन जीरो किया गया था। मुझे फाइनल आंसर देना सब लोग जब निकल जाए। देखो लोगों के आंसर्स, आराध्य करेक्ट है बेटा, फर्स्ट ऐसे आंसर नहीं दिया जाता है, केस बना के मुझको आंसर नहीं दिया जाता, आंसर इज आंसर।
अभी तक एक ही का सही है, आराध्य है, बाकी लोग भी आंसर दो। हस्तांश ऑलमोस्ट करेक्ट है बेटा, बट आंसर इज माइनस इंफिनिटी से 15/4 इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू ब्रेक माई क्वेश्चन इंटू टू पार्ट। एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट बोला है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट बोला है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इधर बोथ रूट्स आर पॉजिटिव या फिर एग्जैक्टली ठीक है, बोथ रूट पॉजिटिव, इसका मतलब ये बोथ रूट ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन है, बोथ रूट ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन है। तो इसमें क्या होता था, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, D greater than equal to zero, और बताओ A dot FK greater than zero and minus B by 2A greater than K। याद आया? एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव का बिल्कुल सिंपल सा है जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। ए डॉट एफ के लेस देन जीरो, एक्चुअली इसमें लेस देन जीरो की जगह मुझे लेस देन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। उसका भी रीजन ये है कि एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव में एक पॉजिटिव एक निगेटिव रूट या फिर एक रूट जीरो और एक रूट पॉजिटिव, मतलब इसमें दो तरह के ग्राफ बन सकते थे। इस तरह का ग्राफ या फिर ए डॉट एफ के लेस देन इक्वल टू जीरो विल कवर बोथ दीज ग्राफ। ठीक है, तो ये दोनों केसेस से आंसर निकालेंगे एंड देन वी हैव टू टेक व्हाट, देन वी हैव टू टेक व्हाट, यूनियन ऑफ दीज टू। तो आई गेस पहले वाले उससे जो आंसर निकलता था, मतलब फर्स्ट केस से वो आंसर निकलता है 10 से इनफिनिटी, और दूसरे वाले केस से आंसर निकलता है माइनस इनफिनिटी से 15/4, और फाइनल आंसर इन दोनों का
फाइनल आंसर इन दोनों का यूनियन. आर यू क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. फाइंड के फॉर विच फोर की पावर एक्स फॉर विच के इंटू फोर की पावर एक्स प्लस के माइनस वन टू की पावर एक्स प्लस टू प्लस के ग्रेटर देन वन इज ऑलवेज ट्रू. शुभम बेटा वही तो कंडीशन होती थी, याद करो केसेस जो बनवाए थे लोकेशन ऑफ रूट में, उसमें हम डी डी ग्रेटर देन जीरो नहीं चेक करते थे. हाँ ये करो, फाइंड के फॉर विच के इंटू फोर की पावर एक्स प्लस के माइनस वन 2 की पावर x प्लस टू प्लस के ग्रेटर देन 1 इज ऑलवेज ट्रू. करो, दो चार मिनट है, टेक योर टाइम. दिखता हूँ अच्छा तरह.
मनन, मनन का सही है बेटा। देखो इसमें क्या होता है वो मैं समझाता हूं। लेट टू की पावर एक्स इज इक्वल टू, आंसर है वन से इंफिनिटी, आंसर है वन से इंफिनिटी, ठीक है। कैसे करते हैं ये देखते हैं, चलो टू की पावर, टू की पावर एक्स को टी मान लिया, मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं, टी मान लो, ए मान लो, अल्फा मान लो, ये के टी स्क्वायर है, फोर के माइनस वन टी प्लस के माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। एवरीवन एग्री विद दिस थिंग, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। टी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? टी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, टी ग्रेटर देन जीरो है हमेशा, माय टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। एवरीवन एग्री? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव तब होती है जब वो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव तब होती है जब वो, जब उसका ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी टी के ऊपर आ गई है कि टी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेरा जो ग्राफ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। मतलब हमेशा इस पोर्शन के लिए, इन पोर्शन के लिए, फॉर टी दिस इज टी, इस पोर्शन के लिए मेरा ग्राफ पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात ये समझ लो कि मेरा ए के, के तो 100% ग्रेटर देन जीरो चाहिए मुझको। वाई? क्योंकि अगर के निगेटिव हो गया तो ग्राफ 100% निगेटिव होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नेगेटिव हो ही सकता है। तो के पॉजिटिव, एंड ये क्या है, बोथ रूट्स, ये कौन सी कंडीशन है मेरी, बोथ रूट्स लेस देन इक्वल टू जीरो, मेरे दोनों रूट्स जीरो से नीचे हैं। तो k पॉजिटिव, d पॉजिटिव एंड माइनस b बाय 2a, इसके बारे में क्या कहना है? माइनस b बाय 2a लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो की जगह लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि t पॉजिटिव, यानी मेरा ग्राफ ऐसा भी बन सकता था,
तब भी ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई कर रही है। तो ये तीन कंडीशन से जो भी मेरा आंसर आएगा दैट वुड बी इट। अच्छा सॉरी, एक चीज मैंने मिस कर दी, मुझे ये कंडीशन की जरूरत नहीं है, माय मिस्टेक। ये डी ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन की जरूरत नहीं है, मैं दूसरे यहाँ पे वो कंडीशन होती है, ये गलत कंडीशन मैंने लिख दी है, वो होती है ना ए डॉट एफ के अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मैंने इस वजह से लगाया है क्योंकि ठीक है ये कंडीशन है। इसमें डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई ये लोकेशन ऑफ रूट्स नहीं निकालना है, इसमें रूट्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। ऑल आई नीड टू केयर अबाउट दीज थ्री कंडीशन वेयर ए इज इक्वल टू के, इस क्वेश्चन का ए के है, ठीक है। सबको सॉल्व करोगे इनको तो तुम्हारा आंसर जो आएगा, योर आंसर वुड बी वन से इंफिनिटी। कैसे आएगा, पहले से के ग्रेटर देन जीरो, इससे मेरा के क्या है यहां पे, ये के कैसे कंफ्यूज ना हो जाओ मैं, मतलब क्योंकि क्वेश्चन में भी के है इसमें भी के है ना, तो मैं सीधे सीधे जो कंडीशन है वही मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैं सीधे कंडीशन लिख दे रहा हूं, के डॉट एफ जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये मेरी पहली कंडीशन है, ये मेरी दूसरी कंडीशन है और ये मेरी तीसरी कंडीशन है, ठीक है। ठीक है, ये मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है विच इज टी ग्रेटर देन जीरो वाला रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ये पोर्शन क्लियर हुआ, आगे करें। हस्तांश, ये तीन केस, तीन कंडीशन है, एक कंडीशन पर क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं अपनी फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन थ्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन थ्री लीव द रिमाइंडर
2, 1, and minus 1. When divided by 1 respectively, find remainder if is divided by करो सब लोग सिंपल सा क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का करो इसको हुआ
हर्ष सही है बेटा। बाकी लोग सॉल्व करो। सीधे सीधे रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है, व्हाट डज रिमाइंडर थ्योरम डू? अगर मेरा एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल, तो अगर मैं एक्स माइनस वन से डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर टू आ रहा है, तो इसका मतलब एफ वन की वैल्यू क्या होगी? टू। एक्स प्लस टू से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर वन आ रहा है, तो एफ ऑफ माइनस टू क्या होगा? वन। और माइनस वन पुट कर रहा हूं और रिमाइंडर और एक्स प्लस वन से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर माइनस वन आ रहा है, तो एफ ऑफ माइनस वन। ये सबको पता है रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट, दिस इज वॉट रिमाइंडर थ्योरम इज। फैक्टर थ्योरम का ही एक्सपेंशन होता है, या फैक्टर थ्योरम से ही रिमाइंडर थ्योरम आती है। ठीक है, अब सीधे सीधे मुझको ये बोला गया है कि एफ एक्स इज बींग डिवाइडेड बाय तो अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ आ रहा होगा प्लस रिमाइंडर आ रहा होगा। यही तो होता है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अच्छा, ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो 3 डिग्री की इक्वेशन से किसी को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर वुड बी आ 2 डिग्री इक्वेशन। तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मेरा काम क्या है, मुझको क्या निकालना पड़ेगा? ए बी सी कैसे निकालोगे? एक बार यहां पे एक्स को वन पुट करो, पुट एक्स इज इक्वल टू वन। तो देखो एफ वन यानी टू इज इक्वल टू, यहां पे वन पुट करोगे, ये पोर्शन पूरा जीरो होगा, यस। एबीसी में सिमिलरली 3 इक्वेशन आएंगे एंड वी हैव टू सॉल्व देम। ये अगेन जीरो होगा, सिमिलरली यू विल गेट 3 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल, दैट्स इट। इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो ये रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम का एग्जाम्पल था। आगे करते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ 9x³ गिवेन वन ऑफ द रूट्स इज डबल दादर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए मतलब था नहीं।
मुझे बेसिकली इस एक क्यूबिक क्वेश्चन के रूट्स चाहिए विद द कंडीशन कि वन ऑफ द रूट इज डबल द अदर. ठीक है, मनन सही से सॉल्व करो, बहुत गलत है. ना मैं प्लस माइनस की कुछ गलती किया है क्या? अभी तक किसी का भी सही नहीं है पूरा आंसर. सब लोग सही करो अपना आंसर. नन हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. एक मिनट, मैं आंसर अभी तक किसका सही आया? शुभम सही है बेटा. आई वॉन्ट ऑल द थ्री आंसर्स, दो आंसर्स से नहीं. अगर किसी को मेरी शीट या उस मिलने में प्रॉब्लम हो रही है या
लिंक्स मिलने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट मैं सबके ग्रुप पे एक डाउट ग्रुप का इनविटेशन भिजवा दे रहा हूँ, या आपस में अपने फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करके डाउट डाउट ग्रुप का ले लो, उसमें मैं सब पोस्ट करूंगा द लिंक्स एंड एवरीथिंग। मेरा डाउट ग्रुप है तो प्लीज ज्वाइन दैट। द आंसर्स आर 2x3, 4x3 एंड 1, 2x3, 4x3 एंड 1। रेज योर हैंड जिनका ये आंसर आया था, 2x3, 4x3 एंड 1। ओके, 7 लोग, 6 लोग, 5 लोग, मतलब 4-5 लोग, बहुत कम नंबर है। क्यों इतना कम है? कैसे होगा ये? सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, वही वाली थ्योरी है ना, क्यूबिक इक्वेशन आ गई। तो लेट माई रूट्स बी अल्फा, 2 अल्फा एंड बीटा। ठीक है, मैंने इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी दी है जिसमें गेसिंग वर्क भी हो जाए, बट मैं गेस वर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि एग्जाम में जब इक्वेशन आएगी तो ये इतनी सिंपल नहीं आएगी, या वेरिएबल्स ऐसे नहीं आएंगे। जो मेथड प्रॉपरली करना है मैं वो मेथड बता रहा हूं। आई एम नॉट सी, काफी लोग यहाँ जो मेरे क्लास से क्वेश्चन होते हैं दूसरे तीसरे मेथड से कर देते हैं, बट वॉट आई टेल यू इज द मेथड विच कैन बी यूज इन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली इन दिस प्रॉब्लम। मतलब वैल्यूज चेंज होंगी, कुछ और मैन्यूपुलेशन किया तो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता था? माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 27/9। तो इससे क्या मिल गया? 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो देखो बीटा की वैल्यू मिल गई अल्फा के टर्म्स में। अब अगर मैं एक और इक्वेशन बना लूंगा, मेरा क्वेश्चन डन है। वो इक्वेशन चाहे प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी कर सकते हो, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा, 2 अल्फा बीटा क्या होगा? बस वैल्यू पुट कर दोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा। मेरे हिसाब से प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट से नहीं, सम से करोगे, क्योंकि इसमें वापस क्यूबिक बन जाता है। आई गेस मतलब ये यूज करो, ज्यादा बेटर होगा। अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, 26/9। इसमें पुट करो, अल्फा में क्वाड्रेटिक आएगी, पुट इट हेयर, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इन अल्फा। द क्वाड्रेटिक दैट कम्स आउट टू बी इज 63 अल्फा स्क्वायर माइनस 81 अल्फा प्लस 26 इक्वल टू 0, और उसके बाद अल्फा की वैल्यू निकाल के कर सकते हो। ठीक है, दो वैल्यू निकलेंगे जिसमें एक इग्नोर हो रही होगी, आगे चल के देखोगे क्यों इग्नोर होगी। ठीक है, तो सॉल्व करके समझ में आ जाएगा। आगे करें,
ठीक है, इसमें क्या यूज किया है, सम ऑफ रूट, देन सम ऑफ जो क्यूबिक इक्वेशन में होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद करो, माइनस बी बाई ए, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, ऑल दोस थिंग्स जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी में करते थे. ठीक है, द फाइनल आंसर्स आर 2/3, 4/3 एंड 1. 2/3, 4/3 एंड 1. ठीक है, नेक्स्ट, अगेन नोन प्रॉब्लम, इफ अल्फा बीटा गामा एक्स क्यूब माइनस फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर. हाँ चीज बेटा, कोई डाउट है? फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर बीटा प्लस गामा बाय अल्फा गामा प्लस अल्फा बाय बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाय गामा. चीज पूरा सॉल्व करना, सॉल्व करके समझ में आ जाएगा. मतलब सॉल्व करके दोनों से वैल्यू निकालने की कोशिश करना, तीनों रूट्स, यू विल कम टू नो. अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू जीरो, फाइंड क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस. ये आर है, चलो करो. सब लोग ट्राई करो, आंसर लाने की कोशिश करो. दो मिनट है, टेक योर टाइम.
पूरा आंसर जिसका हो जाए, पूरा आंसर देने की जरूरत नहीं है, लंबा सा आंसर है, हो जाए बस डन लिख दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रेंज वाली चीज होती थी, रोल्स थ्योरम वाली चीज होती थी, वो सारी की सारी चीजें हम कैलकुलस में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। आंसर यश जो दिया है वो गलत है तुम्हारा। कैसे करते थे वो मैं बता दे रहा हूं। जब भी सिमेट्रिकल इक्वेशंस होती थी, सिमेट्री, आई कैन सी द सिमेट्री आउट हियर, तो सिमेट्री इक्वेशन में मैं ये यूज करता था। अच्छा मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? पी है, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी? अब मेरे रूट्स बिल्कुल सिमेट्रिकल बन गए ना, ठीक है। अब क्या मानते थे, इसको एक्स मानते थे, एक्स मान लो, या अगर नई इक्वेशन बनानी है तो चलो इसको मैंने वाई मान लिया। तो वाई इज इक्वल टू पी बाय अल्फा माइनस वन। तो नोटिस करोगे जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी पी अपॉन वाई प्लस वन, और अल्फा किसके रूट्स हैं? अल्फा आर द रूट्स ऑफ माय गिवन क्वाड्रेटिक गिवन क्यूबिक इक्वेशन। तो ये इस अल्फा को वापस पुट कर दो। कैसे पुट करोगे? p अपॉन y प्लस वन का होल क्यूब माइनस p p अपॉन y प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस r इक्वल टू जीरो। बस तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, इसी को मुझको y प्लस वन के होल क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी क्यूब माइनस पी क्यूब y प्लस वन प्लस आर y प्लस वन का होल क्यूब इक्वल टू जीरो। उसको ओपन करके रीअरेंज करके मेरा आंसर है, ठीक है। दिस वॉज द मेथड विच वी यूज इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट थ्योरी। क्योंकि ये मुझको नई क्वाड्रेटिक नई क्यूबिक इक्वेशन बनानी थी जिसके रूट्स ये हैं, तो वो मेरी न्यू क्यूबिक इक्वेशन वाई में है।
मैंने इक्वल टू वाई मान लिया. एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है. 10 मिनट बाद हम सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करेंगे. ये मीटिंग में एंड कर रहा हूं. एक और लिंक आया होगा आप सबको 12:30 वाला आई गेस. ठीक है, तब हम सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करेंगे. 12:30 पे ज्वाइन द अदर लिंक एवरीवन. क्लियर? ठीक है, मैं ये बंद कर रहा हूं. चलो